हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम सौरव ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि शादी करने के फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, मतलब बेनिफिट्स क्या है शादी करते हो। तो देखो, नुकसान भी है फायदा भी है। अब जिनकी एज कम होगी, ठीक है, जो अभी इंजॉय कर रहे हैं, जो 18 से लेके मतलब 30-35 साल के बीच वाले जो होते हैं, इनको शादी का बहुत खराबी नजर आता है। ठीक है, ज्यादातर यंगस्टर, ठीक है, शादी अकेला रहो, ये करो वो करो, ठीक है, अच्छी बात है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। लेकिन इस वीडियो में शादी के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, ठीक है, कि शादी करने से फायदा क्या है। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सच में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अभी जो भी एज होगी आपकी, ठीक है, अभी आप लोग शादी नहीं की होगे, ठीक है, जो लोग शादी नहीं की होगी, अभी आप लोग कंफ्यूज हो गए यार, मैंने अपने इतने फ्रेंड लोग को धोखा खाते हुए देखा है, कितने लोग की बीवी भाग जाती है, कितने लोग का पति छोड़ देता है। ठीक है, इस टाइप का दिमाग में है। तो आप लोग एनवायरनमेंट से जो जो चीज़ आप लोग को दिखा, उस हिसाब से आप एक परसेप्शन सेट किए हो, ठीक है, और शादी को गलत मान के बैठे हुए हो। ठीक है, गलत भी है सही भी है, लेकिन ज़्यादा भाई सही है, क्योंकि इतने दुनिया में लोग शादी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग शादी कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ लोग भी शादी कर चुके हैं। ठीक है, बहुत लोग, करोड़पति लोग भी इधर शादीशुदा है। ये लोग चुतिया थोड़ी हैं भाई, दुनिया कर रही है ना शादी। ठीक है, तो ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है शादी का। ठीक है, और क्या क्या है अब मैं बात करता हूँ, मतलब बेनिफिट क्या है। ठीक है, सुनो यार, देखो ये, अब ये मत बोलना कि यार शादी करने के बाद सेक्स करूँगा। होता है बहुत लोग का शादी के बाद घपा घप मिलेगा। अरे वो तो यार बिना शादी के बाद, शादी के भी कर सकते हो, सेक्स जो है वो बिना शादी के भी हो सकता है। ठीक है, वो हटाओ, ठीक है, वो मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो भाई होगा ही, शादी होगा तो सेक्स भी होगा ही। अब एकदम सेक्स के लिए कोई, कुछ लोग शादी करते हैं, ये गलत है। ठीक है, मैं बेनिफिट का बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो सच में असल मतलब बेनिफिट क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स होते हैं जिसमें जहाँ पे बैचलर से ज़्यादा प्रिफरेंस शादीशुदा लोगों को मिलता है। इसका रीज़न ये है कि शादीशुदा लोगों को एक लगाम लगा हुआ इंसान माना जाता है। ठीक है, कि अगर आप शादी कर चुके हो तो आप में लगाम लग चुकी है। ठीक है, अब आप बीवी बच्चे के लिए आप जियोगे। ठीक है, तो जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, इनको आप पे ट्रस्ट आता है। ठीक है, कि ये साला ये बीवी बच्चे के लिए कमाएगा, ठीक है, ये तो 10 रुपए के लिए भी मर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मेरे कंपनी में काम करेगा तो एकदम ट्रस्टेड एम्प्लॉय बन के काम करेगा, ये भागेगा नहीं, इसकी सैलरी में अटका दूंगा फिर भी ये काम करेगा। ठीक है, लेकिन उनको वो कुंवारे लोगों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि यंगस्टर होते हैं। ठीक है, आप अगर सिंगल हो तो आपके किसी कंपनी में आपका 20,000-25,000 भी फंसा होगा ना, फिर भी आप लोगे भी नहीं, चले जाओगे, छोड़ के चले जाओगे, सोचोगे यार 20,000 ही तो है ना, मेरा बीवी ना मेरी, मतलब मेरी बीवी है ना मेरा बच्चा है, मैं साला 20,000 लेके भी क्या करूँगा, अकेले रहूँगा, कभी भी कमा लूँगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज में शादीशुदा लोगों को प्रिफरेंस मिलती है। ठीक है, ये फायदा है। ठीक है, दूसरा फायदा, ठीक है, दूसरा फायदा ये है कि बहुत सारे सोसाइटी में, मान लो आप घर लेने जाओगे ना, आपको ही पता है बैचलर लोगों को घर बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, मान लो मुंबई में जाओ या कहीं भी, इवन कोटा में भी जाओ, उन्हें कोटा में तो खैर स्टूडेंट ही रहते हैं। ठीक है, मतलब सोसाइटी में ना, अगर आप फैमिली मैन हो, ठीक है, तो आपको अच्छे नज़र से देखा जाएगा। ठीक है, मतलब आप अगर शादीशुदा हो तो आप सोशली जो आपका तालमेल बैठेगा सोसाइटी वाले लोगों के साथ, ये अच्छे से बैठेगा। ठीक है, कुंवारे लोगों को है साला ये लड़की लाएगा, ये रूम में लड़की लाएगा, दारू पार्टी चलेगा, समझ रहे हो ना, ये थोड़ा मतलब नज़र में आप आते हो अगर आप बैचलर हो, अरे साला ये देखो लड़की लाया है, यार देखो ये साला दारू पिएगा। ठीक है, तो ये शादीशुदा अगर होते हो तो आपका रेस्पेक्ट बढ़ता है सोसाइटी में। अब इंडियन कल्चर में यही है पता नहीं, वेस्टर्न में भी होगा पता नहीं। ठीक है, तो ये भी फायदा है। तीसरा फायदा ये, अब मैं तीसरा चौथा करके नहीं बताऊंगा, आप ऑटोमेटिक समझ लेना क्या क्या मैं फायदा बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। तीसरा फायदा ये है लड़कियों के लिए, फायदा ये है कि देखो ठीक है, आप आपके प्रोटेक्शन के लिए मम्मी पापा हैं आपके साथ, आपका बड़ा भाई भी है। ठीक है,
लेकिन भाई कब तक रहेंगे, मम्मी पापा भी तो एक टाइम बूढ़े होंगे ना। ठीक है, आपका कोई बड़ा भाई है आपको जो हमेशा प्रोटेक्ट करता है गलत लोगों के बुरी नज़रों से, ठीक है, लेकिन आपका भाई भी तो एक टाइम शादी करेगा ना। ठीक है, आप हमेशा कुमारी तो घर में बैठोगी नहीं, नहीं तो आपका बड़ा भाई या छोटा भाई का की जो बीवी होगी वो कमेंट मारेगी, ठीक है, कि देखो ना शादी की नहीं बैठी हुई है, आप समझ रहे हो ना। तो वो जो मम्मी पापा हैं आपके बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं, ये भी एक टाइम तक ही आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक मर्द होना जरूरी है आपके साथ, एक मर्द होना जरूरी है क्योंकि आपको पता है लड़कियों के साथ कितना गलत होता है। ठीक है, अब ये बहुत ही मतलब क्या बोलूं, गलत करने वाले ही मर्द हैं। ठीक है, दुर्भाग्य है, क्या करोगे। ठीक है, लेकिन प्रोटेक्ट करने वाला ही मर्द होता है। मैं ये नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको ये पता है यार, अगर आप रोड पे अकेले चल रही हो, रात का समय है, चार मर्द अगर आपको घेर लिए हैं, कितना आप प्रोटेक्ट कर लोगे। एक मर्द होगा तो साला कम से कम कोशिश तो करेगा, अब मेरा जैसा मर्द होगा तो माथा फाड़ दूंगा, समझ रहे हो ना। तो एक मर्द होना जरूरी है साथ में। ठीक है, अब आप कभी तो बूढ़ी होगी, आप चलो 40 साल तक हो शादी नहीं की हो, ठीक है, मतलब आपको कोई गलत नज़र से देख भी रहा है तो आप एकदम मतलब आंख दिखा दोगे उसको, लेकिन कभी एक टाइम तो आपका शरीर ढलेगा। ठीक है, तो एक होना चाहिए कि हाँ मेरा पति है, ठीक है, मेरा बच्चा है, ये सब मेरा केयर कर रहा है। ठीक है, तो एक तो होता है यार, देखो औरतों का तो लड़कियों का तो ये फायदा है। ठीक है, कब इस एक मर्द होना जरूरी है यार, आपको ये पता है कि जिस घर में मर्द होता है ना, जिस घर में एक मर्द होता है उस घर में बुरी नज़र नहीं लगती है। ठीक है, नहीं तो पूछो कितनी लड़कियों के पापा नहीं होते हैं, कितनों के नहीं होते हैं मर्द, सिर्फ मम्मी के साथ है, बहुत दिक्कत हो जाता है। जमाने वाले लोग जमाना साला गलत नज़र से देखता है, आप समझ रहे हो ना। तो ये बेनिफिट है, और भी बेनिफिट है, देखो शादी जो है ना आपको इंसान बनाता है। अब आप बोलोगे इंसान तो हूँ भाई, प्रॉपर इंसान बनाता है। ठीक है, देखो अगर आप शादी करते हो ना, आपको पता है कितने लोग को आप मतलब अगर आप शादी करते हो, आप किसी को ससुर बनाते हो, ठीक है, किसी के आप दामाद बनते हो, कितनों को आप साला बनाते हो अपना। ठीक है, आपके वजह से कितने लोग ननद बनती है। ठीक है, फिर आपने शादी किया तो ये लोग ये सब बने। फिर आप बच्चे पैदा करते हो तो आप एक बाप बनते हो। ठीक है, ये जो कल्चर चल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट हो रहे हो, आप बाप बनते हो, आप बाप बने तो आपके पापा दादा बने। ठीक है, आपकी मम्मी दादी बनी। ठीक है, आप अपनी वाइफ के मम्मी ससुर को और सास को आप अपने नानी बना रहे हो, नाना बना रहे हो, आप समझ रहे हो ना, मतलब वो लोग खुश हैं आपसे। ठीक है, ये फायदा है। और एक और फायदा है जो मैंने बोला ना, इंसान बनाता है शादी करने से, एक प्रॉपर इंसान बनाता है शादी, वो ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे एक भैया थे। ठीक है, मतलब मैं कोटा में पढ़ाई करता था। ठीक है, मेरे एक भैया थे, वो कम से कम मेरे से ना 4 साल एज में, 5 साल और एकेडमिक वाइज 4 साल सीनियर। ठीक है, 4 साल सीनियर। वो बहुत ज़्यादा हंसी थे भाई। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 के टाइम का कि 2013 के टाइम का। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हंसी, मतलब रोड से कोई भी लड़की भी, ओ माय गॉड यार मस्त है। ठीक है, इस टाइप का पॉन्ड देखना। ठीक है, उल्टी सीधी, मतलब लड़कियाँ उनके लिए बस सेक्स सेक मशीन था। ठीक है, दिल के अच्छे थे लेकिन उनका वैसा थॉट था लड़कियों को लेकर। 2017 में उनकी शादी होती है, या 2018 में, सॉरी। ठीक है, 2018 में उनकी शादी होती है। तो अभी भी कभी बात होता है ना तो मैं उनको कोटा का दिन याद दिलाता हूँ कि आप कितने हवसी थे। ठीक है, लड़कियों को देख के आप ऐसे बोलते थे, वो मतलब ये सोचते थे। पता है अभी वो इंसान बहुत बदल गया है। मैंने पूछा यार आप अभी इन्वॉल्व क्यों नहीं होते, मतलब पहले तो बहुत खुद से सेक्स वेक्स की बातें करते थे, लड़कियों की बातें करते थे, अब क्या हो गया आपको। तो वो बोलते हैं कि यार मेरी जब बेटी पैदा हुई ना, पहले तो मैं था हफ्सी टाइप का, लेकिन मेरे घर में जब बेटी पैदा हुई ना, ठीक है, तब जब मैं उसका पॉटी साफ करने लगा, ठीक है, उसका डायपर चेंज करने लगा, हगीज जो भी होता है, ठीक है, तब मुझे लगा कि यार लड़कियां भी इंसान होती है। ठीक है, इनके शरीर में भी खून होता है, ये भी पॉटी करती हैं, ये भी टॉयलेट करती हैं।
ठीक है, वो जो हवस था वो बस एक वर्चुअल थॉट था, ठीक है, जो एक टाइम तक रहता है, ठीक है, उम्र के साथ साथ वो थॉट भी हटने लगता है, ठीक है। जब आप बुजुर्ग होने लगोगे ना तो वो सेक्स की फीलिंग ये सब भी फेड होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है, ये भैया तो बदल गया। फिर वो बोल रहे थे कि मैं लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा सोचता था, ये वो दिस डैट, लेकिन मेरी पत्नी का जो पीरियड्स होता था, फिर वो मुझे बोलती थी यार मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। तब मुझे लगा कि ये लोग इंसान हैं, ठीक है। उनकी वाइफ का तबीयत ख़राब हो गया था बहुत भयंकर, तो हॉस्पिटलाइज थी, ठीक है, ये हॉस्पिटल में रोए भी थे, ठीक है। तब उनको लगा कि यार नहीं यार, क्या मैं गलत इंसान था यार, ठीक है, हर समय सेक्स 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 सेक्स, ठीक है, लड़कियां भी इंसान होती है। तो भाई शादी किया, किसी के साथ रहा, ठीक है, तब ना जाके ये मतलब उसका थॉट चेंज हुआ, सोच जो बोलते, इंसान तो दिल का अच्छा ही था, क्योंकि मेरे भैया थे, ठीक है, मतलब एकेडमिक में 4 साल सीनियर थे, ठीक है, तो मुझे पता था दिल का अच्छा था इंसान, बस वो एक उसका जो है ना खोपड़ी में बस सेक्स को लेके बहुत ज़्यादा वो था, ठीक है, तो इंसान बहुत बदल गया, ठीक है। तो ये सब होता है यार शादी करने का फ़ायदा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं ना कि नहीं यार सिंगल लाइफ बेस्ट है, शादी करो मन जिंदगी भर, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप करो चाहे ना करो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस फायदा बता रहा हूँ। लेकिन बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो जिंदगी भर मजे मारते रहूँगा, ठीक है, मल्टी पार्टनर बनाऊँगा, सेक्स करूँगा, ये करूँगा। भाई एक टाइम तक ही सही रहे लगेगा, कब तक करोगे भाई, कब तक करोगे, हाँ मतलब कभी तो शरीर ढलेगा ना, हाँ। बहुत लोग बोलते हैं मैं अकेले रहूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा, ठीक है, बीवी बच्चे के मैं फंसना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन आप इतना नेगेटिव क्यों हो? ये भी तो हो सकता है कि पत्नी आपको बहुत अच्छी मिले। अब आप बोलोगे ये भी तो हो सकता है पत्नी घटिया मिले। तो भाई शादी क्या एक बार में देखते ही हो जाता है क्या? आपको काफ़ी टाइम मिलेगा लड़की को पहचानने में। अब इतना टैलेंट तो होना चाहिए कि मेरी जिससे शादी होने वाली है वो लड़की सही है कि नहीं, उसका फैमिली सही है कि नहीं, कौन रोक रहा है, पता लगाओ बातों से। इतना टैलेंट तो होना चाहिए कि सामने वाले को आप पहचान लो बातों से, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, शादी का भाई देखो फायदा बहुत है। अब ये भी बहुत लोग बोलते हैं शादी नहीं करूँगा तो मैं सक्सेस हो जाऊँगा। रतन टाटा जी को देखो, शादीशुदा नहीं है भाई, ठीक है, अच्छी बात है शादीशुदा नहीं है, लेकिन ये नहीं बोल सकते इसलिए वो सक्सेसफुल है। क्योंकि मुकेश अंबानी भी शादीशुदा है, मुकेश अंबानी शादीशुदा है, ये भी तो सक्सेसफुल है। शाहरुख खान, हाँ, इतना खतरनाक एक्टर, ठीक है, सुपर स्टार, शादीशुदा है। अब सलमान खान जी का बात अलग है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब आमिर खान, समझ रहे हो ना, तो सक्सेसफुल है यार। सो अक्षय कुमार शादीशुदा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोल सकते हो कि शादी नहीं करूँगा तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगा। हो जाओगे, अच्छी बात है। देखो शादी नहीं करोगे तो ऑब्वियस ही बात है ये स्मरण शक्ति तो सच में बिल्डअप होगी आपकी, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना माइंड, यहाँ वहाँ ये सब नहीं होगा आपका, आप समझ रहे हो ना। 24 घंटा आप ही का होगा। शादी नहीं करने का फायदा तो है, लेकिन कब तक? कोई एक बहुत मतलब बड़ा सेलिब्रिटी था, उससे इंटरव्यू में पूछा गया था, नाम नहीं बोल सकता हूँ, पता नहीं, मैंने बस फ्लो में देखा था। उससे इंटरव्यू में पूछा गया था कि शादी को लेके आपका क्या थॉट है, कितना जरूरी है शादी। उसने कहा कि जब आप 55 साल के हो जाओगे ना, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि शादी का क्या बेनिफिट है, ठीक है। 50 साल तक मान लो आप करोड़पति भी हो गए, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी, पूरा दुनिया आपको जानती है, आपने सारा मुकाम जो जो सोचा था सब हासिल कर लिए, लेकिन 50-55 साल के बाद क्या क्या आपको पता है? उस समय जब अकेलापन महसूस होगा ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ पाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ पाया ही नहीं है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक भड़ास होती है, वो निकालना जरूरी होता है। कुछ लोग बात करके निकालते हैं, ठीक है, बगल में एक बीवी रहती है ना, ठीक है, या पति रहता है ना, तो बात शेयर करके ना मन हल्का होता है। इंसान ही हो, ठीक है, इंसान ही हम लोग, अंदर कैद करके रखो ना पागल हो जाता है इंसान। दिन भर क्या क्या आपके साथ हुआ है, रात को अगर अपने बीवी को सुनाते हो ना, तो आप अगले दिन से फिर से चार्ज हो जाते हो, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं किए तो
मतलब मैं फेलियर, शादी कर लिया तो बीवी बच्चे के बोझ में मैं मतलब दब जाऊंगा, वैसा सोचते ही क्यों? हाँ शादी ऐसा थोड़े, बचपन पैदा होते शादी होगी। आपको काफी टाइम मिला पढ़ाई करने का, आपको काफी टाइम मिला कैरियर बनाने का, ठीक है? तो अच्छे से कैरियर बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि बीवी अगर थोड़ी खराब भी मिले या पति थोड़ा खराब भी मिले, वो लोग अगर छोड़कर चली भी गई तो खुद के पैर पे आप खड़े रहो, ठीक है? तो ये है बेनिफिट, भाई बेनिफिट बहुत है, और कितना लंबा वीडियो बनाऊं, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? टेक केयर, गुड बाय, और भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।